Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 5 understanding elementary shapes exercise 5.1 all questions solved. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1. पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन. यानी कि अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करके हम लोग मेजर करेंगे तो क्या क्या उसमें डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं वो देखते हैं. तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, देखिए, एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर नॉट पॉसिबल विच कैन रिजल्ट इन एरर. यानी कि अगर हम लोग सिर्फ ऐसे ही अपने नेकेड आई से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे लाइन सेगमेंट्स को और मेजर करेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या कौन सा छोटा है तो उसमें हम लोगों का एरर आने का मैक्सिमम चांस है, ठीक है. और इस तरीके से हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लाइन सेगमेंट्स को एक्यूरेटली मेजर कर सके. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट. डिवाइडर एंड रूलर इज बेटर टू यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स बिकॉज इट गिव्स एक्यूरेट एंड एरर फ्री मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. यानी कि डिवाइडर और रूलर दोनों ही मेरा बहुत ही बेटर और एक कॉमन मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं. इसलिए फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स एक्यूरेट एंड एरर फ्री मेजरमेंट. क्योंकि ये हम लोगों को बहुत ही एक्यूरेट और एरर फ्री मेजरमेंट देता है. ओके, नंबर 3 देखते हैं. नंबर 3 कहता है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी. फिर पूछता है इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. यानी कि हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा ए बी. उस लाइन सेगमेंट के बीच में हम लोगों को एक पॉइंट लेना है जो कि है सी और हम लोगों को मेजर करना है क्या लेंथ मेजर करना है ए बी का बी सी का और ए सी का. और फिर पूछता है क्या मेरा जो ए बी है वो ए सी प्लस सी बी होगा. आइए देखते हैं. ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3. ये देखिए लाइन सेगमेंट है ए और बी. ये एक लाइन सेगमेंट हो गया यहां से यहां तक. तो इसमें कहता है कि एक पॉइंट लीजिए सी. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है सी. देखिए ये वाला पॉइंट है मेरा सी. ओके, तो इसमें हम लोगों ने पॉइंट सी जब ले लिया तो ये वाला यहां से लेके यहां तक ये जो हो गया मेरा ए सी और ये सी से लेके ये बी तक हो गया मेरा सी बी. अगर हम लोग इसको यहाँ पे ए सी को समझ लेते हैं कि ये मेरा एक 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिया है और सी से बी का जो लेंथ है वो है मेरा 6 सेंटीमीटर. ओके, इसलिए अगर ए सी मेरा अगर 5 सेंटीमीटर है और सी बी जो है वो मेरा अगर 6 सेंटीमीटर है तो मेरा टोटल ए बी यानी यहां से लेके पूरा यहां तक कितना होगा. देन ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी. क्यों, देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा मेरा ए बी है और ए सी मेरा है यहां से यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक मेरा है सी बी. तो इस तरीके से हम लोग जब ए सी और सी बी को एक साथ ऐड करेंगे तो जाके मेरा ए और बी लाइन सेगमेंट आएगा, है ना. तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए सी यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक यानी कि सी बी. तो देखिए यहां पे ए बी था कितना 11 सेंटीमीटर. तो अगर मेरा ए बी 11 सेंटीमीटर है तो ए सी प्लस सी बी भी मेरा 11 सेंटीमीटर होना चाहिए. देखिए तो ए सी प्लस सी बी कितना हुआ, ए सी था मेरा 5 सी बी था मेरा 6. तो ये दोनों को ऐड करके हो गया 11 सेंटीमीटर.
तो इस तरीके से हम लोगों ने पता कर लिया कि AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, ओके। क्योंकि AB मेरा था 11 सेंटीमीटर, तो इसलिए मेरा AB जो हो गया वो हो गया AC प्लस CB इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। हमारे पास तीन पॉइंट है A, B, C ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट है, जहां पे AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर एंड AC है 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये मेरा लाइन है, देखिए A और ये B, समझिए ये है मेरा A और समझिए ये है मेरा B, ओके। और फिर क्या कहता है, BC, तो BC कहां से होगा, तो फिर ये होगा B और फिर ये होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा C, ठीक है। तो ए बी हो गया ये और बी सी हो गया मेरा यहां से यहां तक, ओके। ये कितना है 5 और ये कितना है 3। तो ये कहता है ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए सी कौन सा हो गया, ए सी हो गया मेरा यहां से लेके और यहां तक, ये कहता है ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए सी मतलब क्या हो गया, ए सी मतलब हो गया मेरा ए बी प्लस बी सी, है ना। तो कहता है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो यहां पे कौन सा पॉइंट दो पॉइंट्स के बीच में आता है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे पॉइंट बी जो है वो मेरा पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में आता है, है ना। तो यहां पे मेरा आंसर होगा पॉइंट बी। देखिए ये है मेरा यहां से यहां तक ए बी जो कि है 5 सेंटीमीटर, और फिर यहां से यहां तक है मेरा ये बी सी जो कि 3 सेंटीमीटर। तो मेरा तीन पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट बी लाइज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, हो गया मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखिए ये ए जी मतलब यहां से स्टार्ट होके और ये चल रहा है, ये यहां से गया, ये जाते हुए यहां जी तक, ओके। तो ये है मेरा ए और ये है मेरा जी। तो कहता है कि ए और जी का मिड पॉइंट क्या है, डी। ये डी जो पॉइंट है वो क्या मेरा ए और जी के बीच में आता है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है देखिए यहां पे ए जी इज ए लाइन सेगमेंट, ये ए से लेके और जी तक ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, यहां से लेके स्ट्रेट, यहां से लेके यहां तक। ए जी इज ए लाइन सेगमेंट, 6 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ लाइज बिटवीन ए जी। तो ए से लेके जी के बीच में यहां पे मेरा 6 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स है, यानी कि 6 लाइन सेगमेंट है। देखिए एक हो गया मेरा लाइन सेगमेंट ए से लेके बी तक पहला, दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया मेरा बी से लेके सी तक, तीसरा हो गया सी से लेके डी तक, चौथा हो गया डी से लेके ई तक, पांचवा हो गया ई से लेके एफ तक और छठा हो गया मेरा एफ से लेके जी तक। तो यहां पे मेरा 6 लाइन सेगमेंट्स हो गया, ओके, ऑफ द सेम लेंथ, जो मेरा एक ही लेंथ का है। अब देखिए ये कहता है 6 डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ लाइज बिटवीन ए जी। तो ए और जी के बीच में 6 लाइन सेगमेंट हो गया सेम लेंथ का, सबका लेंथ एक है, ओके। अब है मिडिल ऑफ 6, जैसे यहां पे कितना लाइन सेगमेंट हुआ था, 6 लाइन सेगमेंट, है ना। तो 6 लाइन सेगमेंट अगर है तो 6 का मिडिल क्या होता है, 6 का मिडिल होगा मेरा 3, क्योंकि 6 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका बीच का नंबर निकल जाएगा, तो 2 3 होता है 6। तो यहां पे जो मिडिल वाला लाइन सेगमेंट होगा वो होगा मेरा 3rd नंबर वाला। आइए देखते हैं, मिडिल ऑफ 6 इज 3, दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3। सो इफ काउंटेड 3 फ्रॉम ए और 3 फ्रॉम जी, वी कम टू पॉइंट बी। देखिए अगर हम लोग पॉइंट ए से स्टार्ट करें
या फिर पॉइंट जी से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और अगर हम लोग थ्री पॉइंट्स तक जाएंगे तो देखिए मेरा कौन सा पॉइंट आता है। ए से स्टार्ट करेंगे तो पहला मेरा क्या आया, बी, फिर दूसरा क्या आया, सी, और तीसरा क्या आया, डी। वैसे ही जी से स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट क्या आएगा, एफ, फिर दूसरा पॉइंट आएगा ई, फिर तीसरा पॉइंट आएगा डी। तो दोनों ही केस में डी जो है वो मेरा तीसरा पॉइंट आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट मतलब क्या, तीसरा पॉइंट जो है वो है मेरा मिडिल पॉइंट, ठीक है, वही हमको पूछ रहा है। सो इफ काउंटेड सी फ्रॉम ए और सी फ्रॉम जी, सी फ्रॉम ए और सी फ्रॉम जी, वी कम टू अ पॉइंट डी, ठीक है, हम लोग पॉइंट डी पे आते हैं इन द लाइन सेगमेंट ए जी। ये ए जी जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर अगर हम लोग सी काउंट करेंगे जी के तरफ से या फिर ए के तरफ से, हम लोग पॉइंट डी पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि प्रूफ कर देता है कि डी जो है वो मेरा ए जी लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या बोलता है, ये है मेरा एक लाइन सेगमेंट ए सी जो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है यहां से लेके यहां तक, और उसके बीच में एक पॉइंट लिया है बी। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, तो बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जो है बी मेरा ए सी का मिड पॉइंट है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो ये जो सी होगा वो मेरा बी और डी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे बी है मेरा ए सी का मिड पॉइंट, वैसे ही सी है मेरा बी डी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। अब क्या बोलता है, कहता है वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमसे बोलता है कि बताइए ए बी और सी डी मेरा इक्वल कैसे हुआ। तो ए बी क्या है मेरा, देखिए ये है मेरा यहां से लेके यहां तक ए बी और यहां से लेके यहां तक सी डी। ओके, तो ये दोनों इक्वल कैसे हुआ ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं। लेट ए सी इज इक्वल टू 10। अगर हम लोग ए सी यहां से लेके यहां तक ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर बी जो है वो मेरा ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तब मेरा ए बी इज इक्वल टू बी सी क्या होगा। हम लोग को पता है कि मिड पॉइंट से कैसे निकलता है, 10 अगर है तो इसका मिड पॉइंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 2 5 10, तो ये ए बी हो गया मेरा 5 और बी सी हो गया मेरा 5, है ना। वैसे ही देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए बी एंड बी सी क्या हो गया मेरा 5 और 5। अब क्या है, इफ बी डी इज इक्वल टू 10, अब यहां देखिए बी और डी अगर मेरा 10 सेंटीमीटर है तो यहां पे क्या हुआ, अगर सी अगर मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, 10 का मिड पॉइंट मतलब 10/2 यानी कि 5, तो सी डी जो है ये भी हो गया मेरा 5 और बी सी जो है ये भी हो गया मेरा 5। इससे हम लोग ये पता चला कि ए बी जो है वो भी है मेरा 5 और सी डी जो है वो भी है मेरा 5। यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, ए बी और सी डी मेरा इक्वल होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 आ गया और सी डी इज इक्वल टू भी 5 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। आगे मेरा आंसर क्वेश्चन 7 जो है आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।